हेलो फ्रेंड्स, पलवीज़ फास्ट फूड में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नमकीन खस्ता, वो भी गेहूं के आटे से। एक कप लेंगे गेहूं का आटा, उसको छन्नी की मदद से अच्छे से छान लेंगे। अभी इसके अंदर एक चम्मच नमक मिलाएंगे, थोड़ी सी अजवाइन मिलाएंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी, और इसके अंदर थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब इन सबको हम हाथों की मदद से अच्छे से मिला लेंगे। ऐसे आप शाम के समय चाय के साथ या हल्की फुल्की भूख में ट्राई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिल गई है, इसे हम जब मिलाएंगे तो मुठिया सी बनने लग जाएगी। उस समय थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक नरम सा डो तैयार कर लेंगे। डो ज़्यादा टाइट या ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। अभी हमें करना क्या है, इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के ऊपर छोड़ना है। तो हमें इसे तेल या थोड़ा सा घी का हाथ लगा के किसी कपड़े से ढक के छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, डो आराम से तैयार हो चुका है। अभी इसकी मोटी मोटी लोई लेंगे, मैंने इनकी 4 लोई कर ली है। मोटी मोटी लोई लेंगे और लोई को बेलन की मदद से बेल लेंगे। ये मेरे को एक इसको शेप देने के लिए मिला था, आप इसको कुछ भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। इसके अंदर मैं चक्कू से निशाने कर रही हूँ ताकि ये जब तेल के अंदर डालें तो ये पूरी की तरह फूले नहीं और खस्ता और करारी बन के तैयार हो। एक एक करके सारी हमने तेल में डाल दी है, मीडियम फ्लेम में हमने इनको पका लिया है। बहुत अच्छे से सिक के तैयार हो गई है ये, देखो ये देखो, लास्ट रिजल्ट बहुत मस्त बनती है। प्लीज़ फ्रेंड्स ट्राई ज़रूर।